भाई साहब भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई सुबह सुबह के टाइम है, ग्वालियर में हम नाश्ता करने आए हैं पनवाड़ी पोहा पे। और भाई यहां पे बॉलीवुड एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सब आते हैं यहां पे। बहुत ज़्यादा कमाल इनका टेस्ट है, स्वाद है, जायका है, आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब आज आपको ग्वालियर वाला नाश्ता कराते हैं एकदम शाही। भैया नमस्कार सर। मैंने सुना है यहाँ पे भीड़ जो लगती है वो आपके पोहे के लिए, मतलब पोहा तो एक आम आइटम है, घर पे भी हम बना लेते हैं, तो आपके यहाँ पोहा खाने लोग क्यों आते हैं? देखो सर, सबसे बड़ा माध्यम तो आप है सर। अच्छा, आप लोगों की वजह से मेरी बात लोगों तक पहुँची, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद लोगों तक जब आपके वीडियो पहुँचते हैं तो लोग आते हैं चेक करने के लिए कि आखिर क्या है, चेक करते हैं, उनको लगता है कि नहीं बंदा सही वीडियो बना रहा है। हकीकत बात है, साफ सुथरा रखते हैं, साफ हाइजीन तरीके से बनाते हैं और मतलब खाने में टेस्टी रहता है, पूरी तरह हेल्दी रहता है जी। तेल का यूज कम होता है, लोगों को पसंद आता है। अच्छा। और आजकल आदमी हेल्दी चीज पकड़ रहा है, समोसा कचौड़ी और ये इन चीजों से काफी दूर होके पोहे पर आ रहा है जी। तो पोहा हम शुरू से स्वादिष्ट बना रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा सर, है। हम सब लोग तो आए थे, जैसे ब्लॉगर्स तो आए हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैंने सुना कोई बॉलीवुड वाले आए थे यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे लुका छुपी मूवीज की शूटिंग चली थी तो 2 महीने यहाँ पे बंदे रहे थे, वो 2 महीने यहीं से नाश्ता गया था। क्या बात, कार्तिक आर्यन और वो कीर्ति सेनर जो दाल बाजार में शूटिंग चली थी, तो यहाँ से यहाँ पे वो 2 बार आए, स्वयं नाश्ता करके गए। WWE के हमारे फाइटर सौरभ गुर्जर जी भाई हमारे डबरा के हैं जी, वो जी, भी जी। कभी बाहर का नहीं खाते, वो भी जो है पोहा खा के गए, काफी तारीफ करके गए वो भी। बाकी सेलिब्रिटीज आते हैं। सोनू भैया ये बताइए कि ग्वालियर का पोहा अलग कैसे है? मतलब पोहा तो इंदौर में भी मिलता है और बहुत स्टेट्स में मिलता है, सिटीज में मिलता है, ग्वालियर का पोहा अलग कैसे है? कभी कभी आपने एक कहावत सुनी होगी, गुरु और चेले का कुछ रहता है, तो कभी कभी चेला भी जो है एक्सपर्ट बन ही जाता है जी जी जी, कई लोग कई गुरुओं के ज्ञान लेके। इंदौर का वाकई है पोहा, मैं मानता हूँ इंदौर अपने आप में है लेकिन हमारा भी कम नहीं है। ग्वालियर में पोहा अगर बंदा एक बार खा जाए तो इंदौर के बंदे विजिट पे आते हैं यहाँ पे, कई बार अभी तारीफ करके जाते हैं। क्या बात, इंदौर में मैंने पोहा खाया, कागज में देते हैं उसमें सिर्फ च्यो डाल के देते हैं लौंग का, यहाँ पे हम प्याज नींबू धनिया रतलामी सेव मूंगफली का दाना जी और मतलब मसाला ये सारी चीजें बना के देते हैं, लोगों को टेस्ट मिलता है। सोनू भैया अब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, अब दिखाइए कि पोहा बनाते कैसे हैं आप और इंदौर से बेटर कैसे है ये देखिए। पहले तो एक पत्तल जो है आप यूज कर रहे हैं, कौन सा पत्ता है ये? सर ताड़ का पत्ता रहता है, अभी छोले का पत्ता चल रहा है लोकल। अच्छा, जो चलता है जी। इतनी क्वांटिटी ये 25 रुपए में। इसमें ये प्याज गया, ये नींबू ऊपर से साथ में, ये लेमन गया जी, सेव रतलामी, रतलामी से का दाना, मूंगफली का दाना हुआ, और ये मसाला जी, धनिया भी खत्म हो गया है। अच्छा, तो हरा धनिया भी रहता है जी, हरा धनिया रहता है। तो इंदौर में ये सब नहीं मिलेगा आपको, इंदौर में सिर्फ सेव और पोहा मिलेगा, दैट्स इट जी। यहाँ पे ये सारी चीजें मिलेंगी और आप इसको मिक्स करके टेस्ट कीजिए, लगेगा कि आपने पोहा खाया। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ कोई तरी नहीं है, जलेबी नहीं है, ऐसी जलेबी मिलेगी जी। ये हमारा क्लोजिंग टाइम है। अच्छा, क्लोजिंग टाइम है। अरे भैया अभी तो 10 बज रहे हैं। ये क्लोजिंग टाइम है, इसके अलावा भीड़ हमारी दुकान पे हो रही होगी। अच्छा, आपके सहयोग से प्रेम से हमने एक दुकान भी खोल दी है वहाँ। क्या बात है, वहाँ पे पोहे के अलावा आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, एक क्लिप आप वहाँ की भी ले सकते हो जी जी जी। वहाँ भी चलते हैं सर, एक बार ये भी दिखाइए आप, बहुत कमाल लग रहा है। और ये पोहा वहाँ भी मिलेगा? बिल्कुल सर, 4 दुकानें, एक कंपू पे लगती है, एक नागा चंदवनी और एक इंद्रगंज चौराहे पे चाचा स्टोर, ओल्ड चाचा स्टोर के पीछे। अच्छा, और एक ये चाचा स्टोर, ये भी चाचा स्टोर पे ही है। तो सोनू भैया एक चीज बताइए कि ये आपने चालू जैसे एक स्टॉल से किया था, बंडी से किया था? चालू स्टॉल से, ये मेरी कार्ट से ही किया था जी। कई जगह मैंने पोहा खाता था, पहले तो मुझे वो स्वाद नहीं मिलता, मेरे दिमाग में कोई स्वाद सेट था कि मुझे इस तरह से काम करना है, वो मैंने किया, लोगों का रिप्लाई आया, अच्छा लगा उनको जी। हाइजीन तरीके से साफ सुथरा और फ्लेवर्स जो होते हैं, मैंने स्टार्टर ही दोनों से किया था। अच्छा, लोग पहले अखबारों में खिलाते थे, उसकी डाई शरीर के अंदर जाती थी, लोगों को नुकसान होता था जी। मेरा सोचना शुरू से अलग रहा है जी, तो मैंने पत्ता स्टार्ट किया, पत्ते में कोई परेशानी नहीं है, बाकी फ्लेवर उसका उभर के आता है पत्ते का, पत्ता लोगों ने पकड़ की और काफी लोग पत्ते में चला रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम डाई से दूर तो रहे लोग। सही बात, ग्राहक इस चीज को नहीं समझता कि मैं क्या काय में खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, तो ये पत्ते का अपना है, उसका भी टेस्ट मिलता है, पत्ते से लोगों ने पहचान बनी है अपनी। शहर का इतनी वेराइटीज कहीं पे है ही नहीं जो मैं बेचता हूँ, और टोटल हेल्दी। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये नमकीन सेवइयां है, काजू और पनीर डाल रखा है, बिल्कुल मोमिनो वगैरह ये सब रहता है, मशरूम वगैरह, ये पास्ता है सर भाई, ये मेयोनीज का नहीं बना है, ये चीज और क्रीम का बना हुआ है। अच्छा, प्लस दूध का बनाते हैं, इसमें दूध वगैरह ही डालते हैं। ये स्प्राउट है, जिम वालों को बड़ा हेल्दी लगता है, क्या बात, जिम के बंदे आते हैं, वैसे भी लोग खाए तो हेल्दी है, ये बॉइल करके इसमें बटर में, हल्का सा बटर में फ्राइड करके बनाते हैं, मतलब यहाँ पे नाश्ते का बुफे लगा रखा है। बिल्कुल सर, इसमें सारे पौष्टिक आहार है, काला चना, सफेद चना, मटर, स्वीट कॉर्न, गेहूं, मूंग की दाल, अरे वाह, मूंगफली का दाना, खड़ा लहसुन, क्या ये उपमा है सर। अच्छा, ये उपमा भी है, ये उपमा है सर। वाह,
इसमें टोटल वेजेस रहते हैं जी। ये साबूदाना खिचड़ी है। अच्छा, व्रत वालों के लिए है, वैसे भी खाएं बंदे जी, तो बहुत अच्छी है। देसी घी में बनाते हैं, अमूल का जो आ रही है ना सर, घी भी अमूल का इस्तेमाल ही करते हैं। अरे वाह, इसके अलावा मैं कोई घी मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ ये देखो आप, सारे अमूल के घी हैं। ये इडली मसाला है, मेरी खोए के बाद सबसे अच्छी चलने वाली यही आइटम। अच्छा, अभी खत्म हो गया, दोबारा बन के आ रहा है इडली मसाला। इडली मसाला जी। ये सर दम बिरयानी है जी, बिरयानी भाई रास्ते में सुबह से, सब तरह के बंदे हैं, सबको सब अलग अलग चाहिए जी जी। ये मूंग दाल हलुआ है, वाह वाह, मीठे में मूंग दाल हलुआ, जलेबी, दो चीजें रहती है। और ये देसी घी में, देसी घी अमूल, वाह, मैं दूसरा कोई नहीं जानता। साथ में ढोकला आ गया, ढोकला है सर, ये सैंडविच। अरे भाई, ये हमारा जैसे कहते हैं ऑल डे ब्रेकफास्ट, आपने तो वाकई वही चीज लगा रखी है। आठों दिन बदल बदल के खाए बंदे, अलग अलग टेस्ट मिलेगा। ये अपना पोहा है, ये हमारा खिलाने वाला काउंटर, ये पैकिंग काउंटर। अच्छा, पैकिंग काउंटर इधर है, क्योंकि भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा जी, तो लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए। अब गर्मी का सीजन आएगा तो आपको लस्सी, सेक, कोल्ड कॉफी, ये सारी वैरायटीज मिलेंगी। और सर्दी में क्या देते हैं सर, चाय कॉफी? सर्दियों में चाय कॉफी सूप। तो ऐसा करिए, अभी यहाँ पे ना एक पोहा जलेबी की प्लेट दिखाइए, जो उधर हमने मिस कर दी। मैं जलेबी के लिए यहाँ भी पत्ते में ही रहता जी। जलेबी सर मैं गरम मंगा रहा हूँ आपके लिए जी। ये पोहा भाई, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सारा कुछ जो है डीकम्पोज हो जाएगा, पत्ते के अंदर सर्व करते हैं। ये पैकिंग का है, देखो ये पैकिंग मैं इसमें कर रहा हूँ पत्ते में। अच्छा, अरे वाह, तो आपके यहाँ पे मुझे लग रहा है पैकिंग के ऑर्डर ज्यादा है, उधर लाइव खाने वाले ज्यादा है। वो क्या है सर, सारे ऑफिशियल बंदे, उनको समय नहीं रहता अंदर आने का जी, तो वो वहीं गाड़ी टिका के तुरंत लेके खा लेते हैं। सही है। और यहाँ पे फैमिलीज पैकिंग चलती है, उन्हें इडली भी चाहिए जी, जलेबी भी चाहिए, तो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे हरिया धनिया भी है भाई, ये देखो ये पैक हो गया, पत्ते के अंदर ही रैप किया और ये ऊपर से धागा लगा के ये रेडी, कमाल। इसमें थोड़ी देर तक गर्म भी बना रहता है जी, और कोई पोहा तो ठंडा भी हो जाए तो अच्छा लगता है जी, लगेगा हमारा तो लगेगा सर। ये पोहे के साथ मैं आपको एक मसाला देता हूँ। अच्छा, जो कि खोल के खाना है, इसमें डालना है। ये जीरावन तो नहीं? हाँ जी, जीरावन है ना। और ये नमकीन का पैकेट। अरे वाह, और एक ये चम्मच। अच्छा, ये साथ में एक तरह से पेरी पेरी मसाला हो गया और ये आपके फ्राइज हो गए भाई, आपका बर्गर रेडी है। खोल के ये मिक्स करके खाओ, अगर इसमें अभी डाल के दूंगा तो मिंट हो जाएगा, इसलिए अलग से देते हैं, बंदे लेट भी खाते हैं। बहुत कमाल। तो सर जलेबी मंगवाई और एक प्लेट लगवाई, अब तो मुंह में पानी आ रहा है, अब तो माइक में भी सुन रहा होगा भैया, गर्मा गर्म जलेबी आ गई है, क्या बात है। लाइए सर, लाइए, जिसका इंतजार था वो तो अब आए। ये देखिए, ये देखो, ये लग रही है हमारी प्लेट, सबसे पहले तो पोहा और इसके साथ ये प्याज, एंड इधर से आ गया जी नींबू, ये नींबू और ये मसाला और ये रतलामी सेव, साथ में ये मूंगफली। वाह वाह वाह, कमाल है भाई। और ये आपके लिए जलेबी, और ये साथ में जलेबी। वाह क्या बात है, ये तो वेफर की तरह है, कमाल भाई साहब। पहले तो विशेष भाई जो है वो दिखाएंगे हमें स्वाद वटांदरा, कैसा लगता है भाजी आपको यहाँ पे? मैंने सुना है ग्वालियर का जो वन ऑफ द बेस्ट यही है, सच बात है भैया? पोहे के मामले में सब लोग सोचते हैं कि पोहे ये स्टॉल चले जाएंगे, वो स्टॉल चले जाएंगे, लेकिन पनवाड़ी जब से फेमस हुआ है लोग बोलते हैं पनवाड़ी खाने चलते हैं, पनवाड़ी क्या ही चलते हैं जी, क्योंकि एक तो सुन लिया गया वैरायटीज बहुत है जी, पोहे की क्वालिटी जी अमेजिंग, कमाल यार। ये देखो एकदम खिला खिला पोहा है, साथ में प्याज है, मूंगफली है और भाई जलेबी, एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन। यहाँ से हम भी जो है एक बाइट ले देंगे, देखो ओ हो हो, ओ भाई ये आ गई जी एक बाइट, श्योर इज अ बाइट। एक मिनट, पीनट्स आ जाए ना और मजा आएगा, रुको रुको रुको, ओए आ जा, और पीनट्स तो आ जाए यार, नेक्स्ट बाइट में आएंगे, मुझे नहीं लग रहा इस पे आएंगे, चलो ट्राई करते हैं। श्योर इज अ बाइट। मैं सोच रहा था एकदम नमकीन होगा पर इसमें मिठास है। अरे वाह, बहुत कमाल पोहा है यार। और जैसे इंदौर और भोपाल में जलेबी जो है वो छोटी छोटी होती है, यहाँ पे फुल साइज की जलेबी है साथ में, तो एकदम बढ़िया रस आएगा हर बाइट के साथ। कमाल का पोहा है, ज़बरदस्त है, बट भाई सिर्फ पोहा नहीं, यहाँ पे नाश्ते का बुफे लगा हुआ है, तो आप जब आके यहाँ पे ट्राई करते हो 8 के 8 दिन कुछ अलग खा सकते हो, बहुत कमाल है। सोनू भैया कह रहे हैं कि ये जो स्प्राउट्स है और इडली है ये भी ट्राई करो,
तो ये देखिए इधर, ये है जी स्प्राउट्स, एकदम ही हेल्दी, मतलब अगर पोहे से भी हेल्दी कुछ चाहिए ये जी। जिन्होंने खड़े मसाले डाल रखे हैं ना भाई, तो एकदम मज़ेदार फ्लेवर आता है थोड़ा थोड़ा। ये मसाला इडली और इसके साथ ये ऊपर से कोई चटनी डाल रखी है, लो जी। और इस देखो पोहा तो हैंड्स डाउन एक्चुअल में अभी तक मैंने जितना भी पोहा खाया वन ऑफ द बेस्ट पोहा ही कह सकते हैं। पर ये जो साथ में स्प्राउट्स और ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये बहुत कमाल है। और भाई साहब अभी हम आपको जिस जगह पे लेके जा रहे हैं, यहाँ की कचौड़ी जलेबी और भाई इमरती इतनी कमाल है कि यहाँ पे लिटरली भीड़ों की भीड़ लगी हुई, मतलब इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा फेमस है कि यहाँ पे भाई साहब ग्वालियर वाले जो हैं वो लिटरली कसमें खाते हैं कि इससे बेटर कहीं और नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं ऐसा क्या खास है। भाई साहब ग्वालियर में बढ़िया नाश्ता करने अभी हम आ गए छोटे लाल कचौड़ी वाला पे, जहाँ की कचौड़ी और जलेबी, और भैया ये जलेबी है इमरती है, ये इमरती है, इमरती है, बहुत ही कमाल है यार, बड़ी बहुत लोगों ने आपकी तारीफ करी है। कितने साल से लगा रहे हैं आप? भाई अब लगभग 60 साल के करीब हो गए। 60 साल तो आपके पिताजी ने चालू किया था? नहीं, चौथी पीढ़ी चल रही होगी। चौथी पीढ़ी है, अरे वाह। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है अपने पास? ये अपने आप इमरती है, जलेबी है, समोसा है, कचौड़ी है, भेड़ी है। अच्छा, टेस्ट है और सब कुछ लाइव बन रहा है? बिल्कुल सब लाइव बन रहा है। बहुत बढ़िया यार। तो एक बार सर सबसे इंट्रोडक्शन करा दीजिए, ये क्या है? ये भैया समोसा है जी, ये आलू वाला समोसा है, ये दाल की कचौड़ी है। अच्छा, और ये भेड़ी है। अच्छा, ये जलेबी है जी, और ये इमरती है। इधर इमरती है और इधर भाई लोगों की भीड़ देखो, बहुत कमाल। और इमरती आप कैसे, मतलब ये जलेबी से अलग कैसे है? ये जे मेला की बनती है और ये उड़द की दाल की बनती है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब दालों का अंतर है इसकी वजह से। ये मैदा की रहती है, जो उड़द की दाल की बनती है। ये उड़द की दाल की है, वो मैदा की है। और भाई पीछे देखो समोसों का नेक्स्ट लॉट जो है वो चालू हो रहा है। इधर कचौड़ियाँ जो है वो बन रही है। कचौड़ी में क्या पीसी रहती है? कचौड़ी में कचौड़ी बाबूजी मूंग की दाल देती है, मूंग की दाल है। हाँ। और इसमें साथ में खड़े मसाले वगैरह मसाले देते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपके चार पुश्तों पहले आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने चालू किया जी, बहुत ही बढ़िया यार। एक एक प्लेट लगा के दिखाइए सर, कैसे लगाते हैं? अच्छा, प्लेट लगाने का जो सारा सिस्टम है वो इधर है। हाँ, ये देखिए तालमेल सारा इधर बिठाया हुआ है। ये आलू की सब्जी है, दोनों के पीछे ये आलू की सब्जी है जी, हरी चटनी, हरी चटनी इधर, हरी चटनी चटनी और जाना है। सौरा में मर्दी करो, वो पैसे जमा है। अमचूर की चटनी, हाँ अमचूर, अमचूर पुदीना सब सब रहता है इसमें। भाई एकदम बढ़िया माहौल है यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के आए हैं। भाई ये बेड़े की प्लेट लग रही है, इसमें ये बढ़िया झोंके वाली आलू की सब्जी है, हरी चटनी है, ये हरी चटनी साथ में जो मीठी है, और ये आ गई जी आपकी मीठी चटनी। और इधर देखिए अब समोसे और कचौरी की भी प्लेट जो है वो लगने वाली है, ये हरी चटनी साथ में अमचूर की चटनी और प्लेट तैयार। ये देखिए ये बेड़ई की एक प्लेट जो है वो लग रही है। अच्छा, इसमें आप आलू नहीं देते साथ में? नहीं देते साथ में भैया, हरी चटनी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो जैसा ऑर्डर करे वैसा ही है। और ये देखिए साथ में जलेबी, बेड़ई और साथ में आलू की सब्जी, आगरा याद आ गया भाई। और इसके साथ ये हरी चटनी और साथ में अमचूर की चटनी, कचौड़ी समोसा लग रहा है। तो ये देखो भाई साहब ये क्रश करके कचौड़ी और समोसे को एक प्लेट लग रही है, आलू की सब्जी आ गई साथ में ये चटनी और ये अमचूर की चटनी और ये प्लेट रेडी, कमाल है भाई। भैया अपनी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है? पाटन का चौराया जी पर है दुकान। और टाइमिंग आपकी? टाइमिंग सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा, सुबह के 6 से रात के 10 बजे तक। और भैया रेट क्या रहता है, जैसे इमरती की प्लेट कितने की है? भैया इमरती की प्लेट 10 रुपए की एक है, 20 की दो है और 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो है। और कचौड़ी? कचौड़ी अपने सब ये तीनों आइटम 10-10 रुपए है। अच्छा, तीनों आइटम 10 रुपए। अच्छा, और जलेबी? जलेबी अपनी 160 रुपए किलो। अच्छा, बहुत कमाल यार। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इमरती की प्लेट लगाइए। ये देखो भाई ये हमारी इमरती की प्लेट लग रही है और ये बन के तैयार, कमाल। तो भाई साहब ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा नंबर दूसरा। भाई एकदम चटनी और आलू की सब्जी में लतपत समोसा है और साथ में इसके साथ ये कचौड़ी है। तो भाई ये कचौड़ी आई हाथ में, तो इसी के साथ अभी करते हैं स्वाद बटांदरा आप सबके साथ छोटे लाल कचौड़ी वालों की जबरदस्त कचौड़ी। हियर इज बाइट। ओ भाई ये हिंग की कचौड़ी है यार, मूंग दाल की पीटी, हिंग की कचौड़ी और साथ में सौंफ का जो स्वाद आया ना,
कमाल है, कचौड़ी तो एक नंबर है, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। इसके साथ ये इमरती का जोड़ है, इमरती का कॉम्बिनेशन है, वो कहते हैं कि ये ज़रूर ट्राई करो। मज़े आ गए यार, ग्वालियर में क्या नाश्ता है, कमाल है। और लोग इतने प्यारे हैं, देखो भाई, कमाल लोग, कमाल नाश्ता, कमाल कचौड़ी और कमाल इमरती। अभी तक पूरा इंडिया घूमा है पर इतनी बढ़िया इमरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेस्ट इमरती ऑफ द कंट्री, डेफिनेटली, हैंड्स डाउन। भैया तुअर दाल बोल रहे हैं ना, उड़द की दाल, भाई साहब उड़द की दाल की इमरती है और इतनी कमाल है कि हमने मतलब एक्स्ट्रा निकाल निकाल के खाई है भाई, हमने मतलब 3-4 प्लेट्स एक्स्ट्रा खा ली है इसी बात पे कि ऐसी इमरती दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत कमाल है जी, मन तब भी नहीं भर रहा भाई, सही बात है। क्योंकि जब बात SIP कैलकुलेटर की हो, भाई साहब अभी हम आ गए ग्वालियर में बहादुरा स्वीट्स पे, जहाँ पे फ्रेश बूंदी के लड्डू आपके सामने, आपको बनवा के दिखाते हैं। देखिए सर, ये बेसन है या दाल है? दाल का बैटर है, बेसन है, ये बेसन है जी। बेसन को अच्छे से इन्होंने मिक्स करके एक बैटर बना के रखा हुआ है और छन्नी के अंदर से एकदम छोटे साइज की बूंदी जो है वो निकलती है। ये देखिए सर, बेसन में क्या क्या डाल रखा है, पानी है और मीठा है। ये देसी घी है भैया? देसी घी के अंदर बनती है और इसमें सिर्फ बेसन और पानी है, तो मीठा कहाँ से डालते हैं? अच्छा, मीठा अंदर, ओके। तो ये फिलहाल भाई साहब सिर्फ पानी और बेसन है, उसकी एक बहुत ही छोटे साइज की बूंदी जो है वो बना रहे हैं, देखिए। और बहादुरा के लड्डू जो है वो पूरे MP में बहुत फेमस है यार। देसी घी एकदम गोल्डन है, उसके अंदर ये फ्राई हो रहे हैं। और ये आ गए जी छन्नी के अंदर या एक बास्केट के अंदर जो कि केन से बनी हुई है। सर नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया। सर यहाँ पे मैंने सुना है कि पूरे मध्य प्रदेश में बहादुरा के लड्डू जो है वो बहुत फेमस है। सिंपल है, घी का आइटम है भी है। अच्छा, सिंपल घी का आइटम है, तो एक बार दिखाइए कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए जो बूंदी उधर इन्होंने कलेक्ट करी थी वो, उसको फिर क्या करते हैं, जो बूंदी निकालते हैं वहाँ से? बूंदी निकाल के चाशनी में डाली जाती है। अच्छा, उसका होता है जी, तो वो चाशनी में डाल के रखी है कहीं पे? नहीं, अब तो हो चुका। अच्छा, अभी नेक्स्ट डालने वाले? अच्छा, यही है। तो जो बूंदी है उसको चाशनी में निकालते हैं, पहले तो चाशनी में डालते हैं और फिर ऐसा कुछ बन जाता है। और ये देखिए एकदम फ्रेश जो है आपके सामने ये बढ़िया लड्डू जो है बनके तैयार हो रहे हैं। ये कितनी पुरानी दुकान है सर? ये सर 95 साल हो गए। 95? और टोटल देसी घी में बनाते हैं सब कुछ? देसी घी में, गुलाब जामुन और लड्डू। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या लोकेशन है, एड्रेस क्या है आपका? नया बाजार है, कंपू नया बाजार। अच्छा, और टाइमिंग? सुबह 7 से शाम को 7 तक। सुबह 7 से शाम को 4। बढ़िया भाई साहब, कहते हैं कि अटल जी के फेवरेट लड्डू हैं और इतने सॉफ्ट हैं भाई, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आपको लगेगा उठाने से टूट ना जाए, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। चीयर्स करते हैं भाजी। चीयर्स। कैसे लगे? मैं खुल गए। क्या बात है भाई साहब, अटल जी देश में जहाँ जहाँ गए हैं ना, वहाँ वहाँ पर उन्होंने बेस्ट जगहें जो हैं वो ढूँढी हैं। और अटल जी अगर किसी शहर में आके कुछ खा के गए हैं, इसका मतलब वो बहुत कमाल है। अभी ये लड्डू है, दिस फील्स लाइक मेल्ट डाउन है भाई। बहुत मोतीचूर के लड्डू खाए हैं, मेरे हिसाब से ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है। ओह क्या बात है यार, कमाल। मुँह में लिटरली घुल जाते हैं, देसी घी के अंदर फ्राई कर रहे हैं और भाई सिरप जो है कमाल है, एकदम बढ़िया फ्लेवर। ना इसमें इलायची है ना कोई और मसाला है, कुछ भी नहीं है, मिठास है, बेसन है और देसी घी है, बस।